इसको क्यों खोल रहे हो भाई मेरे? ये यूं भी हो जाती है, टू इन वन है। अच्छा, ऐसे करके ऊपर सिंपल चढ़ जाओ। ये सही है यार। हाँ गर्मी ज्यादा हो जाएगी, ये काम कर ले। चलो करो करो करो। शुक्रिया यार मदद करने का। ये क्या पहाड़ी पे चढ़ा दिया तुमने? चलो यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ये जो टफ टाइल है ना दोस्तों, हमने इसको सेफ्टी रूम की छत पर बिछा देना है। ऐसे बहुत अजीब लग रही थी सुबह का टाइम, तो हमने सोचा कि यार ये काम कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं यार, गर्मी है अभी से आना शुरू हो गई है। फरवरी का महीना है, अभी तकरीबन 4-5 महीने ऐसी है ना। गर्मी नहीं आई मेरे प्यारे भाई, गर्मी नहीं आई, सर्दियां जा रही है यार। तुम्हें याद नहीं है सितंबर फरवरी के मौसम में ठंड होती थी? अब देख रहे हो फरवरी की शुरू है और गर्मी भी आ गई है और मुझे पसीना आ रहा है। ये देखें, पसीना है मुझे, ये सारा का सारा माथे पे पसीना है। आ रहा है यार, फिर भी काफी यार मौसम अजीब से होना शुरू हो गया। काम करना है हमें, पसीना क्या बहुत कुछ आने वाला है। वो तो होगा ही होगा, लेकिन अभी कुछ ठीक है मौसम, फिर आगे टेम्परेचर बढ़ जाना है जो जो टाइम गुजरता जाएगा। बातें कम काम ज्यादा। चलो चलो शुरू करो यार, करो करो एक साथ करते हैं। तो चलो यार, हम ये जल्दी से बिछा दें, मतलब ये टाइल अरेंज कर लें और फिर आपसे मिलते हैं। तुम बिछाते जाओ, ये सही रहेगा है ना। चलो चलो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, पसीना ही पसीना है भाई और चोटे ही चोटे हैं। यहाँ पर मुझे अभी ईंट लगी थी बड़ी ज़ोर की, मेरा नाखून जो है ना लाल लाल हो गया है और तुराब ने मुझे ईंट मारी है। मुझे लगता है इसने जानबूझ के मारी है मुझे, है ना तुराब? यार अभी काम बहुत ज़्यादा रहता है, हमने इतना काम किया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और अभी से हम थक गए। यहाँ पर इतनी ईंटें अभी बाकी हैं तो ये काम भी कर रहे हैं अभी। यार मजदूर छुट्टी भी तो करते हैं कुछ देर के लिए। हाँ। मेरे अगर हाथ पे चोट ना लगती ना, मैं और काम भी करता, मुझे दर्द हो रहा है अभी। चलते हैं यार, हमारी नई मुर्गी ना अंडे देने के लिए जगह ढूंढ रही है। कौन सी नई मुर्गी? वो जो हम छत से नहीं लेकर आए थे। हाँ। वो वाली, इधर आओ। ये वाली मुर्गी, इसकी जगह बनानी है हमने। जल्दी से कोई ईंटें ले आओ। कैसे बनाया? तीन चार बनी है यार, यार नहीं दे रही ना ये मुर्गी। यहाँ पर बैठी हुई है, ये यहाँ पर अंडा देगी, लेकिन ये मुर्गी पता है कहाँ कहाँ जा रही है? मैंने अभी हस्की को खोला है तो इसके घर में घुस गई। देने दो ना उधर, फिर हस्की चला जाता है, वो फिर भाग आती है, मतलब वो डर रही थी। तो तुम तीन चार ईंटें उठाओ। अच्छा, और मैं तोड़ी उठाता हूँ और इस कोने में रखते हैं ना यार, यहाँ पर रखते हैं। चलो चलो ले आओ जल्दी। तो आज हमारी दोस्त एक और मुर्गी ना अंडे देने पर आ गई है, ये वाली, और मुझे बहुत ही प्यारी लगती है मुर्गी। और मैं काफी दिनों से इंतजार करता था ये कब अंडे देगी, कब अंडे देगी। पहले ये छत पर होती थी और फिर इसको तकरीबन 5-6 दिन हो गए मैं इधर ले आया था ताकि यहाँ पर रहे, वहाँ पर जरा। यार मुझे क्या हो गया यार शयान? क्या कर रहे हो? डर रही है मुर्गी? घर जाके चलाओ ना, ये कच्ची जमीन है, यहाँ पर नहीं चलेगी। जहाँ पर खड़ी हुई है, मैं हस्ती के घर में अंडा देना चाहती है, पता नहीं क्यों। तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा देना चाहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है भाई? देने देना देने दे। खामोशी है, इसका मतलब है कि इसको नाराजगी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर नहीं। ये तुरा भाई, कामयाबी मिल गई हमें। ओ वाह वाह वाह, अब वहाँ पर अंडा दे देगी ये। क्या हुआ? मुझे अच्छा घर चलाओ ना, पहले भी मैंने तुम्हें बोला था। जाओ अंडा दे रही है, अंडा दे रही है, जाओ। तो अकेला छोड़ दो ना सिप्तान, आ जाओ। ये देखो, ओए वो देखो सामने कौन सी मुर्गी है, ले। और इधर देखो भाई, शफल कर लिया आपस में। वो वाली मुर्गी इधर बैठ गई, ये वाली इधर आ गई उसकी जगह पर। आपस में इन्होंने की डिस्कशन की होगी, इम्पोर्टेंट बोला होगा भाई। हाँ। तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मुझे ये वाली जगह पसंद है। हाँ। तुम उधर चली जाओ। भाई इसे कहते हैं बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, जो हम दोनों में नहीं है, मुर्गियों में है, हम में नहीं है। ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए एक दूसरे को। चलो ये अंडा उठाओ। हाँ। और तुम भी जल्दी दे दो भाई। यार ये जो मुर्गियां हैं ना, हमारे हमसायों की मुर्गियां हैं, और इन्होंने हमारी क्यारी का देखें क्या हाल किया हुआ है, खड़े खड़े निकाल रहे हैं। और किसी दौर में हमारी मुर्गियां भी ऐसा ही करती थी, दूसरों की क्यारों में जाकर ऐसे खड़े कर देती, फिर महल्ले वाले हमें टांटते थे कि ये क्या कर रहे हो, अपनी मुर्गियां ले जाओ, अपने ऊपर ले जाओ, नीचे नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है यार, ये इनकी अकल में बातें नहीं आती, ये अपनी मर्जी से बाहर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, इसलिए ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते किसी के ऊपर।
यार हमारे कछुए ना सिप्ता ने इधर छोड़ देते हैं, पता है उसको क्या है, तो मैं इनको वापस पानी में रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। पानी गंदा है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई बात ये है कि पानी सही इनके लिए अच्छा रहता है, ये खुश रहते हैं गंदे पानी। चलो कछुओ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ और उसके बाद। भाई पांचवा कछुआ कहाँ है? कौन सा पांचवा? पांच थे टोटल, चार थे सिप्ता। देखो अच्छा तुम्हें तो पता ही नहीं है कितने थे, ये देखो। हाँ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। हेलो पेंथर, कैसे हो, कैसे हो हैं यार? इसकी चेन कहाँ गई सिप्ता? इसको चेन पहनाओ। किसी चीज से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ खाना चाहिए, ना इसको बाहर जाना है ना इसको बाहर लेके चलते हैं ना आज। अच्छा। बेचारा काफी दिनों से जब से हमारा हस्की है ना छत पर रह रहा है, तो इसकी चेन बांधो गले में जो के वो देखो वो पड़ी हुई है। चलो मैं करता हूँ। हाँ चलो 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 चलो, बाहर नहीं आना, यहीं पे कुछ खेल लो यार, खेल लो, तुम भी तुम्हारा भी हक है। चलो चलो पैंथर पैंथर पैंथर, हो देखो ओए किधर जा रहे हो, इधर रैपिड है, इधर नहीं जाना। ओए सिप्तान इधर चला गया यार रैपिड के घर में। शुक्र है रैपिड नहीं थे। क्या हुआ क्या हुआ है, क्या खाना है? स्पीड चेक करो, वो भाग गया यार। पैंथर को पकड़ो यार, भाग गया, पकड़ लो पकड़ लो यार। ओह वो देखे यार पैंथर भाग गया, पकड़ लिया। ओए 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 भाई साहब ले लो अपना। चलो पैंथर, वैसे पैंथर को मैं ही भाग कराने जाता था पहले भी, तुम खाम कैसे। चलो पैंथर चलो चलो चलो, शाबाश। तो पैंथर दोस्तों अपने घर पहुंच चुके हैं और इसको मैं यहाँ पर बांध देता हूँ इस जगह पर जहाँ पर पहले होता था, तो इसको मैं बांध लूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो पैंथर को दोस्तों मैंने बांध दिया है और जो ही मास्टर किच का दरवाजा खुला तो ये भी अंदर ही चली गई और यहाँ पे एंजॉय कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है यार माशाल्लाह। तो ये वाला भी मैं उठा लेता हूँ, तो दो अंडे में रख के आता हूँ। ये कितने अंडे, ये तो ज्यादा हो गए हैं यार, सारे जमा करता जा रहा हूँ जो भी। अच्छा। मिनी जू में अंडे आते हैं ना? नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टर्की बर्ड के और उसके मिक्स क्यों? टर्की बर्ड के तो अलग से है ना, वो तो वाजे पता चल जाता है टर्की। अच्छा, बर्ड के हैं। अच्छा। तो जब टर्की बर्ड कुड़क होगी तो उसके अंडे उसके नीचे रख दूंगा। अच्छा। अगर मिनी जू में से कोई मुर्गी कुड़क हो गई तो ये देसी वाले अंडे और असील वाले अंडे हम उसके नीचे रख देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है ना, समझ आ गई है। ओके ओके चलो भाई, इतने बच्चों के अंडे भी हैं तो। अच्छा कोई बात नहीं। और इसका काफी भाई सही गेस कर रहे थे और काफी भाई बिल्कुल गलत कह रहे थे, जो कि ऐसा नहीं बनता था। बस एक दो दिन तक काम शुरू हो जाएगा, जो ही काम शुरू होगा ना मैं आप सबको बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई बता देंगे। तो पैंथर को दोस्तों मैं खाना खिला के आ गया हूँ, अब बारी है हमारे हस्की की और आज हस्की का नाम भी हम रखने वाले हैं। आ जाओ हस्की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आएगा भाई, इधर आओ हस्की, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाओ, मेरे पास भी आ गया। देखो देखो देखो, दोनों का दोस्त है भाई। आज पता है तुम्हारा हम नाम रखने वाले हैं, आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ ना, किधर भाग रहे हो, मेरे पास नहीं आओगे नहीं यार, इतना बड़ा इतना होगा। हाँ इतना होगा, हाँ इतना होगा। हाँ चलो भाई सही है यार, कब तक होगा, कब तक होगा बड़ा? ये तकरीबन 5-6 माह तक हो जाएगा, अभी ये 2 माह का होने वाला है पता है। अब हम रखने वाले इसका नाम। हाँ। उस वीडियो के नीचे सिप्तान तुम्हें पता है कितना कमेंट्स आए हैं? पता नहीं, तकरीबन 43,000 कमेंट्स के भाई। अच्छा। आपने ये नाम रखना है, तो इसके इसके 44,000 नाम रखे, 43। अब सबका सबका कैसे माने? नहीं नहीं, एक नाम मुझे बहुत पसंद आया है और हाँ। वो नाम है कमेंट्स में था वो नाम। हाँ वो है। अच्छा अच्छा, तो वो नाम है अकेला। अकेला? हाँ अकेला नाम। ये कैसा नाम है यार? जो मोगली कार्टून ही है। हाँ। वो उसमें जो एक अकेला होता है वुल्फ्स का बादशाह। हाँ। तो उसका नाम अकेला होता है। वैसे ये सही लग रहा है, अगर वुल्फ का नाम है ना ये। हाँ। अकेला फिर मुझे अच्छा लग रहा है। तो वही ना, अकेला नाम बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा वैसे है भी अकेला। ये चीज भी सूट करती है। सही कह रहे हो तुम भाई, आप सब बताओ सही, मुझे भी डाउट है यार अभी। अकेला प्यारा नाम है सिप्तान। अच्छा। हाँ ना यार, फाइनली यार हमने नाम डिसाइड कर लिया, इसका नाम है अकेला। अकेला अकेला अकेला, और इसकी हम दोस्त भी लेकर आएंगे अकेली। अकेली
इंशाल्लाह बड़ा फोन है इसको यार, बस अकेला डन हो गया तो इसको अब हम डाइट देते हैं अकेला को, ठीक है, और इसको फिर बंद कर देंगे। नहीं नहीं, खिलाएंगे इसको, रात को बंद करेंगे फुल, जब अंधेरा हो जाएगा ना ये पूरा खेल लेगा, अपने मस्ती कर लेगा, उसके बाद इसको बंद करेंगे। अभी इसको छोड़ दो, चलो अकेला छोड़ दो। यहाँ पर हमारे अकेला का खाना, लेकिन मुझे समझ नहीं आती यार कि रोज एक ही खाना खाते है, बोर नहीं होता? बड़े शौक से खाता है रोज, पता नहीं कैसे करता है यार ये। ये लो हस्की, अकेला अकेला नाम है, हस्की फिर बुला रहे उसे, अकेला आ जाओ खा लो अकेले। मुर्गियों के काम देखो, मुर्गी यार जहाँ पर भी रखेंगे मुर्गियों ने आना है। तड़प तड़प यार, अकेला खाना खा रहे और शाम भी हो गई है। हम क्या करते हैं, लाइट्स ऑन कर लेते हैं ऐसे, ये वाली लाइट्स ऑन हो गई हैं, ये वाली भी ऑन कर लेता हूँ। बस कर दो अकेला, बस कर दो, खत्म हो गया है। चलो अब घूमो वाक करो थोड़ी सी, फिर तुम्हें बंद करते हैं वापस अपने घर में। और सिप्तान ये पिंजरे वगैरह अंदर रखो यार, चलो शाबाश। और ये तो लग रहा है, लग रहा है सिप्तान जल्दी हो। अब बजीस की बारी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको अकेला नाम कैसे लगा है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नाम पसंद आया तुम्हें है अकेला? अच्छा नाम है अकेला, वुल्फ का बादशाह अकेला, कितना अच्छा नाम रख दिया तुम्हारा हमने।